गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम इंग्लिश में नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, दैट इज ट्रीज। पोएम किसके बारे में है? ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में, है ना? सभी को पता है ट्रीज हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं, जैसे पेड़ हमें फूल देते हैं, हमें छाया देते हैं, जानवरों को घर देते हैं। अब जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों के पास ही तो रहते हैं, तो उनको शेल्टर देते हैं, वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें खाना देते हैं, खाना देते हैं ना, हमें मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो पेड़ हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो इस पोएम में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर जो पोएम जो ट्रीज है वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है, या क्या क्या हमें वो देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम पढ़ना बच्चों। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। जो पेड़ है वो किसके लिए है? चिड़ियों के लिए है। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ पर क्या बनाती हैं? अपना घोंसला बनाती हैं। तो जो ट्रीज है वो किसके लिए है? पेड़, चिड़ियों के लिए। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज किसके लिए हैं? बच्चों के लिए हैं। बच्चे खेलते हैं ना पेड़ों के आसपास, खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक खेलते हैं, या फिर हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, मस्ती करते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। अब क्या होते हैं पेड़? किस लिए होते हैं? ट्री हाउस बनाने के लिए। जैसे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पेड़ पर एक छोटा सा घर बना लेते हैं ना, जहाँ पर वो अपना मतलब खाली समय में बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन। मतलब पेड़ों पर हम झूला डाल लेते हैं ना, पेड़ों पर रस्सी से झूला डाल लेते हैं, फिर हम झूला झूलते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। अब जो ट्रीज है, हवा बहती है, और हवा बहने से क्या होते हैं, हवा पेड़ों से टकराती है, पेड़ भी हिलते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। अब हम पेड़ों के आसपास हाइड एंड सीक भी खेलते हैं, मतलब पेड़ों के साथ वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। ट्रीज के नीचे, पेड़ों के नीचे हम बैठकर पिकनिक करते हैं ना, मस्ती करते हैं। मतलब ट्रीज के नीचे हमने एक चादर बिछा ली और उसके पर बैठकर हम खूब मस्ती कर रहे हैं, पेड़ की छाया हमें लग रही है, चाय पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। पेड़ों के नीचे बैठकर बहुत कुछ कर लेते हैं, और पेड़ों के जो पेड़ है उसका हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉटन। अब हम पतंग उड़ाते हैं, ट्री क्या उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं। तो कभी कभी क्या होती है, हमारी जो पतंग है वो पेड़ों में अटक जाती है, तो ट्रीज पेड़ों को पतंगों को अटकाने के लिए उसमें क्या हो जाती है, फंस जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। अब गर्मी होती है, जब गर्मी होती है और हम चल रहे हैं और रास्ते में अगर हमें कहीं पेड़ मिल जाता है तो हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ना, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। अब ट्रीज किस लिए होते हैं? विंटर में कोई भी छाया नहीं देने के लिए क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। अब जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पे कितने सारे फल होते हैं ना, पेड़ों पे कितने सारे फल उगते हैं। अब वो मज़ा अलग होता है, जैसे हम घर पर बाज़ार से खरीद कर आम लिया है, उनको खाने का मज़ा अलग है। लेकिन अगर हम पेड़ पर चढ़कर उस आम को तोड़कर फिर उसे खाते हैं, तो वो हमारे लिए एक अलग ही बात होती है, हमें अलग ही खुशी मिलती है ना, दैट वॉज अमेजिंग। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। अब पेड़ों की जो लकड़ी होती है उससे टिम्बर मिलती है ना हमें, पेड़ों की लकड़ियों से हम बहुत सारे काम में, पेड़ों की लकड़ी को, वुड को हम बहुत सारे काम में यूज़ लेते हैं, तो टिम्बर मिलती है हमें पेड़ों से। ट्रीज मेक मदर से वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अब जैसे जो बच्चे हैं, जब वो ट्रीज की पिक्चर बनाते हैं, है ना, बहुत सुंदर से उसको डेकोरेट करते हैं, उस पर हम फल लगाते हैं और पूरा ग्रीन कलर का हम उसमें ग्रीन कलर के क्या बनाते हैं, ट्री बनाते हैं। तो जब मम्मा
जब आपकी मम्मी इस पिक्चर को देखती हैं तो वो बोलती हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कितनी अच्छी पिक्चर है पेंट करने के लिए। ट्रीज मेक फादर्स से, और व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। इसका मतलब क्या हुआ, जब क्या होती हैं, जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो पतझड़ के मौसम में पेड़ों की सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अब हमारे गार्डन में जो पेड़ लगा हुआ है, अब पतझड़ का मौसम आया, सारी पत्तियां क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, मतलब क्या होता है, अब उन्हें हम उन पत्तियों को हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। तो रेक दिस फॉल का मतलब है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से, जैसे क्या होती हैं, जो लीव्स होती हैं ना, पत्तियाँ उसको हटाई जाती हैं। तो वही है कि ये फिर फादर्स बोलते हैं, अरे पतझड़ का मौसम आ गया, अब ये सारी लीव्स क्या करनी होगी, सफाई करनी पड़ेगी, गार्डन को साफ करना होगा। आई बात समझ में सभी को? तो ट्रीज़ हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं, ये तो हम बचपन से हर एक बुक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं और हमें पता भी है सब चीज़ों के बारे में। तो ये पोएम आपकी यहीं फिनिश होती है, इसमें बताया कि ट्रीज़ किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं। एक बार इस पोइम को हम ऐसे ही इंग्लिश में रीड करते हैं, मैंने आपको उसका मतलब तो समझा दिया ना, चले पढ़ते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down and call timber, trees make mother say what a lovely picture to paint, trees make father say What a lot of leaves to rake this fall, है ना। फादर क्या कहते हैं, अब पूरे गार्डन को हमें साफ करना पड़ेगा क्योंकि पतझड़ का मौसम आ गया और सारी लीव्स नीचे गिर गई। ठीक है, तो अब बच्चों ये पोइम किसने लिखी है, कौन है इसके पोइट, शर्ली बाउर। ओके, शर्ली बाउर। अब आपको ये पोइम अच्छे से पूरी रीड करनी है, समझ में आई सभी बच्चों को, और इसका मतलब समझना है, और इससे आपको ये भी सीखना है कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज आप ये पोएम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।